हाय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू द हिंदी सेशन। बेटा, इस वीडियो में हम विशेषण करेंगे। ये वाला लेसन 10 ग्रामर बुक का विशेषता बताने वाले शब्द क्या होता है विशेषण। पहले मैंने कॉपी में इसकी डेफिनेशन लिखी है, उसको हम लिखेंगे और उस याद कर मतलब आपको समझाती हूँ मैं, और उसके बाद हम बुक का काम करेंगे। विशेषण की परिभाषा, बेटा आपने इंग्लिश में वो करते हो ना आप एडजेक्टिव्स, ये वही चीज़ होती है जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। फिर से देखो, जो शब्द संख्या या सर्वनाम, बड़ा कितनी बार हो गया संख्या और सर्वनाम। संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? जो भी नाम वाले शब्द होते हैं उनको संख्या वाले शब्द कहते हैं। जैसे मेरा नाम, आपका नाम, नदियों का नाम, शहरों का नाम, खाने वाली चीज़ों का नाम, सब संज्ञा हो गई। और सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा की जगह यूज़ होते हैं, जैसे मैं, वह, यह, वो। ठीक है, जो ये सब जो संज्ञा की जगह पर जो शब्द यूज़ होता है वो सर्वनाम हो गया। तो जो इन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि सैनिक है, ये संख्या है, तो कैसा है सैनिक? वीर। इसकी विशेषता हो गई, तो ये वीर यहाँ पर विशेषण हो गया। उसके बाद आसमान संज्ञा है, और नीला क्या है? उसकी विशेषता, मतलब उसके बारे में बताया है कुछ कि नीले रंग का है, तो उसकी विशेषता हो गई, तो नीला विशेषण हो गया। उसी तरह से गुलाब है बेटा, गुलाब की विशेषता क्या हुई? लाल। ठीक है, तो वीर सैनिक वीर विशेषण, नीला आसमान नीला विशेषण, लाल गुलाब लाल विशेषण। तो समझ में आ गया। विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉपी का वर्क। उसके बाद थोड़ा सा बेटा बुक का हमने छोटा सा लेसन है, ये पार्ट 10 विशेषता बताने वाले शब्द। देखो, जैसे कैसा या कितना, चाय गर्म है, चाय क्या है? गर्म। तो चाय की, चाय तो एक संज्ञा हो गई, नाम है ना, तो गर्म उसका विशेषण हो गया। नेक्स्ट देखो, जो रेड से है वो विशेषण है बेटा, आम मीठा है, आम की विशेषता क्या है? मीठा, तो मीठा उसका विशेषण हो गया। उसके बाद ये तीन आइसक्रीम है, कितनी आइसक्रीम है? तीन। तो कितनी है ये? तीन। तो बेटे चीज़ों का जो कितनी है या उसकी क्या है, वो सुंदर है, काली है, जैसी भी है, कितनी है, ये सारे विशेषण शब्दों में आएगा। ये चार कप हैं, कितने कप है? चार। चार उसकी कप की विशेषता हो गई। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए चित्रों में सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसा है जो उन्हें एक दूसरे से अलग कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आप। चीज मतलब वस्तु कैसी है, कितनी है, ये बताने वाले शब्द ही उसकी विशेषता या गुण कहलाते हैं, मतलब विशेषण कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? चीज़ कैसी है, कितनी है, ये बताने वाले शब्द ही उसकी विशेषता या गुण कहलाते हैं, इनको विशेषण कहते हैं। सबसे पहले ये देखो, कुहू कुहू और ये काँव काँव, कोयल की मीठी और कोए की कड़वी बोली सुन सभी जान जाते हैं दोनों के गुण। जो कोयल है वो कुहू कुहू करती है और कौआ काँव काँव करता है, पर ये इसकी विशेषता हो गई, तो ये विशेषण शब्द हो गए। ठीक है, आओ दोहराएं, फिर से दोहराओ। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उन सब में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। दुनिया में कितनी चीज़ें हैं बेटा, सबकी, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मीठा, कोई कड़वा, कोई सुंदर, कोई नहीं सुंदर, काला, सफ़ेद, तो ये सब विशेषताएं हैं पर अलग अलग हैं, तो उनको एक दूसरे से अलग करती हैं। जैसे गर्म, मीठा, तीन, चार आदि शब्द चीज़ों की विशेषता बताते हैं। ठीक है, ये विशेषता बता रहे हैं। आओ करें, इमली कैसी है, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ खट्टी, तो इमली की विशेषता होगी। बच्चा कैसा है बेटा बताओ, बच्चा कैसा है? बच्चा, ये बच्चा कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें शरारती लिख दो, मोटा लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो आप बच्चा में लिख दो मोटा। ठीक है, ओके। उसके बाद पेंसिलें कितनी है बेटा? सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो पेंसिल ये इसकी विशेषता हो गई। गुब्बारे कितने हैं? वन टू, दो गुब्बारे हैं, दो लिख दो। बादल कैसे हैं बेटा? काले, काले इसकी विशेषता हो गई। करेला कैसा है? हरा, हरा, तो इसका विशेषण हो गया। तो ये विशेषण शब्द हो गए, विशेषता खट्टी, बच्चा मोटा, पेंसिलें सात, गुब्बारे दो, बादल काले, करेला हरा, तो ये कुछ ना कुछ इनके बारे में बता रहे हैं, तो ये इनकी विशेषण विशेषता शब्द हो गए और इनको विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। चित्र के लिए सही गुण वाले शब्द चुनकर लिखिए। सबसे पहले फूल है, इसके लिए क्या आएगा? लाल। ठीक है, सही है, इसके लाल है ये।
पीला भी है बीच में और सुंदर भी है, ठीक है। उसके बाद नारंगी ऑरेंज कलर भी है तो आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हो, काला कहीं नहीं है उसको रहने दो। उसके बाद ये आपका एक तरबूज है, ये बड़ा भी है, हरा भी है, मीठा भी है, पीला नहीं है, ठीक है। तो बड़ा, हरा, मीठा, इसकी कुछ गुण है इसमें, उसमें अंडरलाइन करो। नेक्स्ट घड़ा, चौकोर गोल है बेटा, ये बड़ा भी है, हल्का नहीं होता, हल्का भी कर सकते हैं घड़े, ज़्यादा भारी तो होता नहीं है घड़ा, हल्का ही होता है, पानी डाल के भारी होगा, ठीक है। तो गोल, बड़ा, हल्का। अब सही शब्द खालिस्तान लिखकर खालिस्तान भरिए। मेरे पास डैश खिलौने हैं, कुछ भी आप लिख दो, अपनी मर्जी लिख दो, चार, ठीक है। खरगोश का रंग सफ़ेद होता है, इसका विशेषण है ये। मेरी माँ बहुत सुंदर है, आसमान का रंग नीला है, मटके का आकार गोल है, ये आम बहुत मीठा है, तो इसके विशेषण शब्द हो गए, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया आपका, ये लेसन ख़त्म हो गया। तो कुछ भी गुण या उसके बारे में जो भी कोई शब्द, कोई भी चीज़ें जो उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, जो उनके बारे में बताते हैं जो शब्द, तो उनको हम विशेषण शब्द कहते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आ गया आपको, इंग्लिश में ये एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा सेशन ख़त्म होता है। अपने अच्छे से पढ़ाई करनी है आपने, ये काम सारा बुक में लिखना, और विशेषता की जो विशेषण की परिभाषा है वो आपने अपनी कॉपी में करनी है। टिल देन टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।